Hello students of physics as honors semester 2 paper CC3. आज जो हम एक टॉपिक बताने जा रहे हैं उसका नाम है कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यह जो टॉपिक है यह टॉपिक जनरली 5 मार्क्स वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, इक्वेशन नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है और बहुत शॉर्ट में इसका डिस्क्रिप्शन है और ये ग्रुप बी के में पूछा जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो इस टॉपिक को हम ऐसे ही नीचे नोट्स हम दिखाएंगे, वो नोट्स को आप नोट भी कर सकते हैं ऐसे जहां थोड़ा बहुत समझने का है। बहुत ही इजी है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस टॉपिक में नहीं लेना है तो उसको हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। सो कम टू द टॉपिक कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। द कैरियर्स ऑफ करंट इन मेटल्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट इज वेल नोन फैक्ट। इन केस ऑफ कंडक्टर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड across the two ends of a conductor, the free electrons experience force and get accelerated. There is a net flow of electrons through the metal and the metals are termed as conductor of electricity. Initially ये बताया जाएगा कि conductor, insulator, dielectric क्या है। अब आते हैं हम लोग insulator के ऊपर। It is written in very short. The materials which do not have free electrons in them are unable to conduct electricity and they are termed as insulator. Insulator may not conduct electricity through it, but on applying electric field, induced charges are produced on surfaces. Such an insulator is called dielectric. ऐसे insulator, वो भी insulator ही है, लेकिन इस विशेष परिस्थिति में उसका नाम रखा गया dielectric. अब डायलेक्ट्रिक में होता क्या है कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स ऑफ ए डायलेक्ट्रिक आर टाइटली बाउंड टू देयर न्यूक्लियाई एंड ऑर्डिनरीली कैन नॉट डिटैच देमसेल्व्स। अब इस फिगर पर हम आते हैं। यहां एक इररेगुलर कंडक्टर है जिसको कि हम प्लेस किए हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, और ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट होता है। दीज लाइन्स रिफर्स द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑफ द फॉर्म एज शोन इन फिगर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल इंटर और लीव द कंडक्टर एट राइट एंगल्स टू द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में पढ़े थे ना कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, देयर आर नो कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पैरेलल टू द कंडक्टर। तो एट राइट सरफेस कंडक्टर। नाउ व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाई टू इट, जो मेन बातें होती हैं उतने ही के बारे में हम लिख रहे हैं, चार पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि खाली बस इतना ही बिहेवियर होता है, सो बात नहीं है, बहुत तरह की फिजिक्स घटित होता है जब कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, लेकिन हमें अभी यही चार पॉइंट से ही मतलब है अपने सिलेबस के अनुसार। नंबर वन, इनसाइड द कंडक्टर बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द चार्ज आर जीरो। कंडक्टर के अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। यू सी इन दिस पार्ट नेगेटिव चार्ज एंड इन दिस पार्ट पॉजिटिव चार्ज, सो टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। इसलिए फर्स्ट पॉइंट ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, इनसाइड द कंडक्टर बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द चार्ज आर जीरो। नंबर टू, चार्जेस रिसाइड ओनली एट द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर। ये जो चार्ज है ना वो सिर्फ सर्फेस पर ही रह सकते हैं, अंदर में कोई चार्ज नहीं है, इसमें है सर्फेस पर ही होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या कारण है, क्या फिजिक्स है, वो बहुत डिटेल की चीज है। नंबर थ्री, आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस।
And number four observations, the entire body of the conductor, including its surface, is at constant potential. Surface per potential constant hota hai. Entire body of the conductor, including its surface, is at constant potential. Why? Because electric field inside the conductor is zero. Gauss's theorem ke application mein is cheez ko proof kiya gaya tha. Electric field inside the conductor या ऑफ एनी सेप इज जीरो, और जब फील्ड जीरो होता है ड्यू टू विच पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट, क्योंकि ई इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल. और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होगा तो डी वी बराबर जीरो, इंटीग्रेट करेंगे तो वी इक्वल टू कांस्टेंट. तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो ड्यू टू विच पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट, मतलब कंडक्टर के इनसाइड में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, फील्ड जो है जीरो होता है. ये इतनी ही बात 5 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं और सबको बहुत ही इजी है. इसको नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में और यही नोट का काम करेगा. अब हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं इन एस व्हाइट बोर्ड. So, come to the whiteboard. I will start the next topic with calculation.